नानक आया नानक आया नानक आया। गुरु नानक आया नानक आया, कल तारन गुरु नानक आया नानक आया। हे गाइस वेलकम बैक टू चैनल वड़िया नू पैरी पवन, दोस्तों नू बहुत सारा प्यार। दिस इज बॉय समर एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिन है क्योंकि आज है गुरु पर्व। तो सबसे पहले हैप्पी गुरु पर्व टू यू एंड योर फैमिली। यस दोना भाई, अब बात ऐसी है कि बहुत ठंड लग रही है, मुझे आप देख रहे होगे, मतलब रांची के अगर आप हो ना, आपको पता नहीं भगवान लगता है एक सडन में कौन सा एक एक्सलेटर चला दिया है, बढ़ा दिया है, पर बहुत ही ठंड लग रही है। तो ये हो गया, तो चलो कोई नहीं भाई, हम पर दिन है आज खास। तो पहले आपको मैं दिखाना चाहूँगा कल रात को गुरुद्वारे के बाहर क्या हुआ, एक झलक देखो। सो गाइज, होप करता हूँ कि जैसे मुझे अच्छा लगा आतिशबाजी नगाड़े रात को ये देख के, आपको भी अच्छा लगा होगा। तो अब चलो यार, आउटफिट चेंज करते हैं, निकलता हूँ यार ये बेड से और मिलता हूँ तैयार होके। सो गाइज, हो गए हैं तैयार। आज का आउटफिट है कुर्ता पजामा काला काला, है ना। तो आज चलते हैं, बहुत बड़ा दिन है बट फील नहीं हो रहा है हर साल, मतलब बहुत ज़्यादा ही उत्साह अंदर होता है, यू नो, इतनी मतलब ग्रैटिट्यूड, बहुत खुशी होती है क्योंकि बहुत मतलब बहुत ही लैविश नहीं बोलोगे बट बहुत ही कुछ होता है आज के दिन। लेकिन हम दोपहर को ही चल जाते हैं, रातू रोड एक जगह है अगर रांची के आपको पता होगा, वहाँ से हम लोग वहाँ पर लंगर करते हैं नगर कीर्तन में और फिर वॉक वॉक फुल करके हम लोग फिर पहुँचते हैं। बट इस साल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तो बस एक चीज़ जो हम अटेंड कर रहे हैं वो है गुरु नानक स्कूल जाना है, वहाँ पे पीछे नॉर्मल टेंट, वहाँ पे अब हम देखो अरेंजमेंट्स कैसे होंगे, बहुत ही नॉर्मल क्योंकि आप जानते हो साल भी बहुत ही वाहियात है। तो बस अरेंजमेंट्स वाहियात नहीं, जो भी किया होगा उन्होंने दिल से किया होगा। तो चलो आपको दिखाते हैं सफ़र, स्टे ट्यून्ड। नानक आया नानक आया, नानक आया नानक आया नानक आया, कल तारन गुरु नानक आया नानक आया। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गुरु नानक स्कूल और ये है उसका एंट्रेंस, तो चलो अंदर मैं आपको दिखाता हूं। सो गाइस, ये है मिनी शॉप जहां पे आप कड़ा एंड दस्तार सब कुछ खरीद सकते हो। और ये जो बीच ग्राउंड है ना जहां पे बाइक्स देख रहे हो, यहां पे संगत के बैठने का इंतज़ाम हुआ करता था, पर वहां स्ट्रेट झंडे जहां दिख रहा है ना आपको, उधर अब जाके मैं दिखाता हूं न्यू हॉल है जहां पे अब न्यू अरेंजमेंट्स है। चलो मैं दिखाता हूं। सो गाइस, अब हुआ मेरे साथ कुछ यूं ना कि जब मैं जोड़े घर में अपने जूते देने गया तो उन्होंने मुझे साफ इनकार कर दिया मेरे जूते लेने को। बट ऐसा क्यों, तो चलो फिर चलते हैं, दिखाता हूँ क्यों।
सो गाइज, हुआ यूं ना कि आप जैसे देख रहे हो सब कुछ बहुत ही शांत है, लोग बहुत कम हैं। तो हाँ, अंकल जी ने मुझसे शूज़ इसलिए मेरे नहीं लिए क्योंकि सारा ही प्रोग्राम ओवर हो चुका था। यूजुअली मैं लेट हो गया हूँ अभी क्योंकि बज रहे हैं 2, बट यूजुअली 2 बज तक प्रोग्राम अभी बहुत ही पीक में रहता है, लाइक 4 to 5 बज तक तो आराम से चलता है, बट ड्यू टू कोविड रीजंस पता है ना, साल वही है ही ऐसा, तो हर कुछ बहुत ही जल्दी ओवर कर दिया गया। तो आपको देख रहे होगे सारे अरेंजमेंट्स उठ रहे हैं, सारी सीट्स खाली हैं, गद्दे, यहाँ तक कि हमारे बाबा जी एंड सारे चीज़ों को उठा लिया गया है। तो मैं तो भाई मिस कर रहा था, मुझे बहुत ही दिल से दुख हुआ, मतलब दिल टूट सा गया थी यार, इतना बंदा सोच के आया था। बट हाँ, गलती थोड़ी सी मेरी बोलोगे थी, मैं थोड़ा लेट हो गया, बट फिर मैंने सोचा कि यार जब व्लॉग सोच लिया है तो कर देना है यार। बट अब यार दिखाऊं कैसे आप लोगों को कि मैं तो मिस कर गया हूँ, मुझे खुद को देखना था। तो इसके लिए अब थैंक्स टू माई डियर फ्रेंड्स सलोनी एंड इशिका। सलोनी को तो यार और भी ज़्यादा दिल से, क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा रिकॉर्ड किया है। तो अब आप देखोगे इस इतने खाली हॉल में पूरी सात संगत क्या धूम और नगाड़ों के साथ दिल खोलकर गुरबानी और शब्द कीर्तन कर रही थी। तो ये स्क्रीन पे देखो अब आप। निर्गुण राखनिया संतन का सदका, निर्गुण राखनिया संतन का सदका, सतगुर टाक लिया मोहे पापी पड़दा, सतगुर टाक लिया मोहे पापी पड़दा, निर्गुण राखनिया संतन का सदका, निर्गुण राख लिया संतन का सदका। तो चलो यारो, अब मैं आपको ले चलता हूँ न्यू लंगर हॉल की ओर। तो जैसे आप देख सकते हो बहुत ही क्लीन अरेंजमेंट है, बहुत ही सहज तरीके से लोग बैठे हुए हैं। तो यार ये रही साफ प्लेटें, मैं अपनी प्लेट उठा लेता हूँ। एंड वहाँ देखो लास्ट में कुछ संगत खड़ी है लंगर लेने को, तो मैं भी देखूँ अगर कुछ बचा हो तो मैं भी शक लूँ। अब देखो गाइस, जब आपका भाई लेट तो हो गया लंगर में तो ऑब्वियस सारा लंगर खत्म हो चुका था, बट मैंने तब भी उनसे पूछा कुछ भी बाकी है एक अन्य या कुछ भी, मैं वो भी खा लूँगा। क्योंकि अगर आपने कभी भी गुरुद्वारे गए हो तो आपको पता हो यूजुअली रोटी जिसे हम प्रसादा बोलते हैं, खीर, सब्जी, दाल और फिर सलाद और साथ में हलवा,
हमेशा ही हमें मिलता है, बट जब उन्होंने मुझे बोला कि नहीं वीरे केवल सब्जी बची है और कुछ नहीं बचा, तब भी मैंने कहा मुझे सब्जी भी दे दो, क्योंकि इस लंगर के प्रांगण में बैठ के कुछ भी आप खाओ ना, वो तृप्ति प्राप्त होना ही अपने में दिल को बहुत सुकून देती है। तो मैंने इसीलिए बस बैठ के गोभी प्रसाद समझ के शका और मुझे दिल से बहुत खुशी तब भी हुई थी, मुझे कुछ तो मिला। एंड ये वही बर्तन है जिनमें आज के लंगर का खाना बना था, और ये जस्ट आप देख रहे हो यहाँ पे जूठी प्लेटें हैं जो लंगर में लोगों ने शकी है, और यहीं के लोग बहुत ही श्रद्धा से इसे साफ करेंगे अभी। तो यहीं से गाइस हम लोग बाहर की ओर चलते हैं, और आप देख रहे हो टूवर्ड्स योर लेफ्ट बहुत ही अच्छा नल की सिस्टम बने जहाँ पे आप आराम से अपने हाथ धो सकते हो, और एकदम स्ट्रेट देखो तो बहुत मिनी मिनी टेंट लगे हैं जहाँ पे ड्रिंक वाटर पी सकते हो, और वहाँ पे चाय की सुविधा भी उपलब्ध होती है। तो आज के लिए तो इतना ही, चलता हूँ अपनी गाड़ी में क्योंकि मैं वैसे ही लेट था ना, तो हर कुछ अरेंजमेंट्स उठ चुकी हैं, तो फिर मिलता हूँ मैं डायरेक्टली आपको घर पे। तारन गुरु नानक आया, नानक आया, सुनी पुकार तार रब। सो गाइस घर आ चुके हैं और एटिंग का मैं बैठ चुका हूँ, तो आई होप कि आपको ये पंजाबी कल्चर एंड रिचुअल्स वाला व्लॉग बहुत ही ज़रा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, यार सब्सक्राइब कर डालो। एंड विद दैट सेट, अगर आपको मेरे साथ कनेक्टेड और डेली में कर रहना ना, तो ये सोशल मेरे हैंडल्स खासकर इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर डालो, लिंक है इन डिस्क्रिप्शन, जाओ करो। एंड फिर से मिलते हैं यार अगले वीडियो में, बाय बाय, सी यू, वाहेगुरु खालसा वाहेगुरु फतेह, बाय बाय। हम बैठ